हम लोग हैं अभी आगरा में और हम लोग जाएंगे अभी आगरा फोर्ट में। मम्मी हेलो, मैं हूँ मम्मी की बेटी। हेलो, मैं हूँ मम्मी की मम्मी। चारू को मिलवा दो। देखो ये है हमारी चारू। और अभी हम पहुंच गए आगरा का किला घूमने के लिए और व्यू शानदार है। गेट, बापड़े कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी है लाइफ में, इतनी भीड़ हद से ज्यादा। एम्बुलेंस चलो चलो आओ। लाल बंदर बन चलो चश्मा दादी, वो वाला पर्स रखिए अपना। हाँ गले नहीं वाला नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लगता। बाप रे ये क्या बना, ऊपर तोते भी दिख रहे हैं और क्या मस्त। बाप रे लाइन लगी है, चलो चलो लाइन। इसकी फीस, वो एंट्री फीस लेना पड़ेगा ना, इसका वो तो लिए ही नहीं है टिकट। और ये देखो हमारा शानदार किला। हमारा क्या शाहजहां अकबर सब रहे हैं इसमें। आगरा फोर्ट में लिखा है। कितना बड़ा किला। नेटिंग भी चल रहा है मेरा। चलो फिर वापस चलते हैं। देखो ये यहाँ पे तो नया बन गया। हाँ चलो आओ मम्मी। मम्मी फोटो खिंचाते हैं इनके जैसे, थोड़ा आगे देखो। नहीं बज रहा, ताली बज रहा नहीं आ रहा। मैंने सुनी थी यहाँ पे इको साउंड होता है, पर यहाँ इको साउंड नहीं हो रहा है। हम बहुत दबा दबा के पैर बजा रहे हैं पर नहीं हो रहा है। और ताली भी बजाए, ताली बजाए सर एक बार, और नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ का जो नज़ारा देख के ना मैं एकदम अचंभित हो गई। और इतना हाँ सामने एक बहुत ही सुंदर, पता नहीं दुल्हन है या क्या है, विदेशी है, बहुत सुंदर है। ये दो गेट हमारे निकल चुके हैं, तीन गेट साथ और ये एक गेट, चारों गेट। ये सब चीज़ें हमने ना वीडियो में ही देखे थे, आज आमने सामने देख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। आप शादी में आओ, आपके साथ परेशानी हो ना। कहाँ है चारू? नई दुल्हन है। और चलो फोटो खींचो आगरा का किला। Thank you.
ये गेट को बंद कर दिया कितना बड़ा है देखो सब लोगों ने अलग अलग अपना बनाए हैं और ये जो है ना ये है दीवाने आम शायद इसको बोलते हैं। तो ये सब देख के हम लोग वीडियो में देखे थे दूसरा एकदम अलग अलग जा रहे हैं ना तो ध्यान में नहीं है कि क्या है क्या है ये सब सब लोग तो जानते ही हैं इतना वीडियो आजकल चल रहा है तो पूरा डिटेल में। यहाँ अकबर बैठते थे और यहाँ पंचायत टाइप चलती थी तो ये पूरा हम मैं भी वीडियो में ही सर्च करके देखी थी। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं ऊपर वाले महल देखेंगे सारे और यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बहुत ही भीड़ नहीं के कारण खासकर। चलो चलो दीवाने खास देखने दीवाने और दीवाने हो गए खास देखना बेटा धीरे धीरे आना ये इसके पिताजी को याद करके रखा था शाहजहाँ को वहाँ कैद करके रखा था उसके बेटे ने। शाहजहाँ का बेटा कौन था रे शाहजहाँ का बेटा कौन था जाएंगे जाएंगे यहाँ से ताजमहल भी बहुत खूबसूरत दिखता है देखना मम्मी इधर से ये ताजमहल यहाँ से बहुत ही प्यारा ये यहीं पे बैठ के शाहजहाँ यहाँ से बैठते थे और ताजमहल देखो मम्मी वो है आहा कितना प्यारा ऐसा लग रहा है जैसे फोटो है वाह नहीं यहाँ से धुंध के कारण नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये जो ब्लैक पत्थर है ये सोना टेस्ट करने वाला है तो ये बेल्जियम से मंगवाया गया था और जब तोप के गोले पड़े ये देख, तो वो ये जो होल है ना टूट गया वो तोप वोप का जो गोला रहता है उससे फूटा और वो वहाँ भी लगा था पत्थर पे क्रैक हुआ है हाँ दीवाने खास है ये ये रतन सिंह की हवेली है इधर बंद है वहाँ दिख रहा है दादू दिख रहा है चला कुछ हवेली टाइप वो उस तरफ से जाएंगे तो दिखेगा ना देते हैं ना खिलती दरबार और ये जो जगह है रेड पत्ती ग्रीन पत्ती वाली ये अंगूरी बाग हुआ करता था यहाँ पे लिखा हुआ है अंगूरी बाग मतलब अंगूर के बाग हुआ करते थे उससे बनती थी शराब तो यहाँ के जो मुगल थे वो यहीं का यूज़ करते थे अंगूर वंगूर सब। और फिर यहाँ पे जो ना ये डोली डोली टाइप का दिख रहा है तो ये सब जो अलग अलग राजाओं ने बनाए हुए हैं एक ही राजा ने नहीं बनाया है सब अलग अलग आए हैं मुग़ल शासक उन लोगों ने बनाए हैं जैसे अकबर बाबर ये सब जहांगीर शाहजहाँ सब ने मिल के बनाए हुए हैं उसके बाद फिर
इतना बड़ा एरिया है ये, देखते देखते तो हम लोगों के पैर ही दर्द होने लगे थे। एक तो भीड़ अलग थी और ये देखते देखते तो हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की चलते चलते। और ये जो डोली की सेवा है शाहजहाँ ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी ऐसा बोला जाता है, तो उसने अपनी बेटियों के लिए डोली के आकार का महल बनाया था। क्या नाम था उसकी बेटी का, जहानारा और रोशनारा करके। तो एक ये है और एक उस साइड है।